हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पापिया व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। वेल, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस, रहस्यमयी है और एक ऐसे जगह लेके जा रही हूँ जिसे देख के और सुन के आप लोगों के तो रोंगटे खड़े होने वाले हैं। फिर भी मैं बोलूँगी, व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज रिक्वेस्टेड। आज का व्लॉग मेरे प्रीवियस व्लॉग का कंटिन्यूएशन व्लॉग है, जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अपने चाचा जी, चाची जी, अपने मम्मी पापा जी और अपने कज़न भाई बहनों के साथ कहीं ट्रैवल कर रही हूँ। वो कौन सी जगह है आज इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए ये व्लॉग पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पापिया व्लॉग्स विद बेल। फ्रेंड्स, दुनिया बहुत सारी रहस्यों से भरपूर है और हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम दुनिया के कई सारे रहस्यों से रूबरू होते हैं। यही हमारे नॉलेज को भी बढ़ाती है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है ना, वो किसी भी किताब से नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के रहस्यमयी व्लॉग की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रामपुर हाट रेलवे जंक्शन है। सो फ्रेंड्स, जहां हमें जाना है उसके लिए रामपुर हाट जंक्शन ही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो अब हम लोग ट्रेन से नीचे उतर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रात का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं रात के। अब हमें होटल की तरफ जाना है सो दैट हम सुबह उठ के अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सके। तो हम होटल ब्लू स्टार में रुके थे। ये मॉर्निंग का टाइम है, सब लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पर अभी हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने फास्ट रखा है और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। किस मंदिर की तरफ, आइए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये वो जगह है जिसे लोग कहते हैं आप लोगों को ले जाती है अपने सपनों के करीब। दोस्तों, बंगाल की पहचान ही महाकाली क्षेत्र के रूप में हो चुकी है। यहाँ के लोग सदियों से शक्ति उपासक रहे हैं, यही कारण से घर घर में शक्ति की देवी काली दुर्गा जी की पूजा की जाती है। इसीलिए बंगाल के कई जगहों पर माँ काली विराजमान है, जो कि तीर्थ करने वालों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ है तारापीठ, जो कि महानगर कोलकाता से लगभग 222 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ता है, जो कि शक्ति पीठों का स्थान है। जानकारी हो कि 51 शक्ति पीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में है, जो कि बुकेश्वर, नालहाटी, बंटकेश्वरी, फुलोरी देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इनमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और एक सिद्ध पीठ भी है, जो कि एक शमशान भूमि में है, जो कि अपने आप में रहस्यमयी है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को तारापीठ मंदिर, माँ तारा जी के दर्शन कराऊंगी। तो दोस्तों, ये व्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि ये व्लॉग रहस्यमय ही नहीं, रोमांचकारी और रोंगटे खड़े करने वाले जानकारियों से भरपूर है। जब माता सती ने पिता के द्वारा शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दी थी, तो शिव महातांडव करने लगे। वे माता के मृत शरीर को कंधे पर लिए तांडव करते हुए ब्राह्मण के विनाश को आतुर हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर की छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग देश के विभिन्न भागों में जाकर गिरे। हिंदुओं के इस महातीर्थ में माता सती के आँख की पुतली का तारा गिरा था, यही कारण है कि इसका नामकरण तारापीठ के रूप में हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली ने दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध संत वामा खेपा को देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। यही है वामा खेपा जी, जिनका मैं आपको मूर्ति के दर्शन करवा रही हूँ। माँ महाकाली ने इन्हें शमशान में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। लिहाजा तारापीठ तांत्रिकों के लिए भी विशेष स्थान माना जाता है। तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से मौजूद है। तंत्र साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त बताया गया है।
महाशमशान में ही यहाँ तारा देवी का पादपद मंदिर है। ऐसा मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर वामा केपा सहित कई संतों की समाधियाँ हैं। इसी के साथ आप यहाँ मुंड मालिनी भी जरूर देखें। कहा जाता है कि माँ काली अपने गले की मुंड माला यहीं रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती है। ये भी एक शमशान स्थल ही है। और द्वारका नदी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे हर रोज जानवरों की बलि दी जाती है। और ये भी हैरानी की बात है कि प्रसाद के तौर पर शराब भी पेश किया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते बल्कि खुद भी पीते हैं। तो दोस्तों, आप भी माँ तारा जी के दर्शन कर लीजिए। और हमने तो दर्शन कर लिया है, पूरी तरीके से नहीं कर पाए, काफी भीड़ होती है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि तारापीठ का जो मंदिर है वो सुबह 4:30 बजे ही खुल जाता है, तो तभी से पूजा आरंभ हो जाती है, काफी भीड़ रहती है। तो अब हम लोगों का पूजा हो गया है, अब हम पूजा करने के बाद यहाँ पे चाय पीने आए हैं परिवार के साथ। तारापीठ मंदिर के पास ही फूल एवं पूजा सामग्री काफी ही सस्ते रेट में आराम से मिल जाता है। और अब हम लोग भजन सुनते सुनते आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मुझे तारापीठ मंदिर एक रहस्यमयी मंदिर लगी, क्योंकि ये शमशान घाट में स्थित है। शमशान में जलने वाले शव का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचना जरूरी है, जिसके कारण से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्ध प्राप्ति करना भी बेहद आसान हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी रहस्यमयी चीज़ें देखने, सुनने और समझने के बाद अब हम लोग कुछ मी टाइम, कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे। आफ्टर ऑल, हम लोग कई सालों के बाद कोलकाता गए थे अपने चाचा जी, चाची जी, अपने कज़िन, सिस्टर्स, ब्रदर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स से मिलने। बहुत ही अच्छा मोमेंट्स हमने शेयर किया और बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए। ये मेरी कज़िन सिस्टर है, तो ये कुछ मेमोरीज है जो मैं अपने लाइफ टाइम के लिए चेरिश करूंगी, और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर में तो पूजा हो चुका था फ्रेंड्स अर्ली मॉर्निंग में, तो अब हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। तो ये कुछ मैंने स्वीट्स आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। ये स्वीट्स इतना तो हम खा नहीं सकते, हमने कुछ परचेज किया था बाद में खाने के लिए। और फिर अब हम अपने होटल में वापस आ गए हैं। यहाँ पे बाकी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको होटल का रूम टूर दिखाती हूँ। तो ये होटल का डीलक्स रूम है, जो काफ़ी स्पेशियस, सनी था और बहुत ही क्लीन, टाइडी, वेल मेंटेन भी था। अब हम सब होटल से निकल के वापस मंदिर आ गए हैं, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो गया था और हमें मंदिर में ही भोग प्रसाद जो है वो ग्रहण करना था। तो ये है मंदिर का भोग प्रसाद। भोग प्रसाद के बाद हम सब अब अपनी दूसरी मंजिल यानी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। ये नज़ारा देख लीजिए, बहुत ही अच्छा था। ये एक गांव है और मुझे यहाँ पे आके बहुत सारी यादें मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं लाइफ लॉन्ग अपने दिल में रखूँगी। और आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करके बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये व्लॉग आई होप अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ टू कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद बेल करना ना भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन, बाय बाय।